दुनिया भर में लाखों अनोखे और विचित्र पक्षी पाए जाते हैं। कुछ बहुत शांत और सुंदर होते हैं तो कुछ बहुत खतरनाक। अक्सर पक्षी अपने भोजन के लिए छोटे मोटे कीड़े मकौड़े, कीट पतंगे और फसलों पर निर्भर रहते हैं, लेकिन कुछ पक्षी इतने खतरनाक हैं कि ये बड़े बड़े शिकार करना, जैसे बड़ी मछली और पक्षियों का शिकार करना ज़्यादा पसंद करते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये अपने शिकार को एक ही बार में जिंदा निकल जाते हैं। ये कॉर्मोरेंट है, ये समुद्री पक्षियों में से एक है। दोस्तों, देखने में तो ये मीडियम कद काठी की बतख जैसी होती है, लेकिन इस पक्षी को अगर भुखड़ कहें तो शायद गलत नहीं होगा, क्योंकि इस वीडियो को देखकर कोई भी चौंक जाएगा कि कैसे कोई घपा घप एक के बाद एक इतनी जल्दी जल्दी इतनी सारी मछलियां खा सकता है, वो भी इतनी बड़ी बड़ी। बट गाइस, अगर आप इस वीडियो को देख के हैरान हैं तो आप जरा इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में हम देख सकते हैं कि एक कॉर्मोरेंट बर्ड ने एक बड़ी सी ईल फिश को पकड़ा है। वो ईल देखने में कॉर्मोरेंट से ज्यादा बड़ी भी लगती है, लेकिन ये जैसे तैसे करके उससे निगल ही जाती है। ये वाकई में बहुत हॉरिफाइंग था। ये देखने में इतना विचित्र लग रहा था कि वहाँ खड़े लोग ये सीन देख कर हैरान थे कि कैसे ये इतने बड़े शिकार को खा सकती है। तो एक्चुअली ये बर्ड शिकार को निगलते समय अपने गर्दन को इतना ज्यादा फैला देती है कि ये बड़े बड़े मछलियों को भी निगल जाती है। ये पेलिकन है। इन पक्षियों की चोंच लंबी होती है और चोंच का निचला हिस्सा थैलीनुमा होता है। इसे गुलर पाउच कहते हैं, जो काफी स्ट्रेचेबल होता है। ये इतना स्ट्रेचेबल होता है कि काफी बड़ी मछलियों और पक्षियों को निगल जाता है। जब भी ये अपना शिकार खाते हैं तो इस थैली में इसके शिकार को फड़फड़ाता हुआ देख सकते हैं, जो काफी वियर्ड सा लगता है। ये झुंड बनाकर दूसरे पक्षियों के समूह में चले जाते हैं और वहां पर मौजूद बेबी बर्ड्स को एक एक करके निगलते चले जाते हैं। जब ये पानी में मछलियों का शिकार करते हैं तो मछली के साथ साथ ढेर सारा पानी भी इस थैली नुमा चोंच में आ जाता है। फिर ये अपनी थैली को ऐसे सिकोड़ते हैं जिससे कि पानी बाहर आ जाए और थैली में सिर्फ मछली रहे। मछलियों को ऐसे बाहर से देखना काफी विचित्र लगता है। और क्या आप जानते हैं, ये पक्षी 30 मिलियन साल पहले से इस धरती पर मौजूद है। इसका अब तक का सबसे पुराना जीवाश्म फ्रांस में खोजा गया था। ये सीगल है। ये अक्सर समुद्र के तटीय इलाकों में पाए जाते हैं और कभी कभार शिकार की तलाश में शहरी इलाकों में भी इन्हें शिकार करते हुए देखा गया है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये बेहद चालाकी से शिकार करते हैं। जहाँ भी ये कबूतरों का झुंड देखते हैं तो वहाँ शिकार करने पहुँच जाते हैं। कबूतरों के झुंड में आने के बाद ये दबे पांव सिर नीचे करके धीरे धीरे कबूतर की तरफ बढ़ते हैं और मौका मिलते ही अपने शिकार को दबोच लेते हैं और देखते ही देखते उसे पूरा का पूरा निगल जाते हैं। गौरैया जैसे छोटे मोटे चिड़िया को इतनी जल्दी और जिंदा निगल जाता है कि पता भी नहीं चलता कि इस पक्षी ने अभी अभी कोई शिकार किया है। लेकिन ये ऐसा करती कैसे है? तो एक्चुअली सीगल पक्षी देखने में भले ही छोटा लगता है, लेकिन जब ये अपना मुंह खोलती है तो ये किसी दानव से कम नहीं लगती। इसका मुंह इतना वाइड ओपन होता है कि कबूतर, चूहे और यहाँ तक कि खरगोश के बच्चे तक को निगल जाती है। दोस्तों, आपने अक्सर सांप का शिकार करने वाले पक्षियों को देखा होगा कि वो सांपों को टुकड़े टुकड़े में खाते हैं, लेकिन ये पक्षी उन पक्षियों में से एक है जो सांप जैसे बड़े और लंबे जानवर को भी निगल जाता है। ये इतने निडर होते हैं कि छोटे मोटे जानवरों जैसे कि बिल्ली से भी खाना छीनने से पीछे नहीं हटते, और तो और बड़े पक्षियों के मुंह से भी खाना छीनने लगते हैं। कई बार तो इन्हें इंसानों के हाथ से भी खाना लेके 9-2-11 होते हुए देखा गया है। दोस्तों, भले ही ये सभी पक्षी काफी वियर्ड हैं, लेकिन ये हमारी प्रकृति में उतने ही महत्वपूर्ण है जितने की बाकी जीव जंतु। तो दोस्तों, आपको इनमें से सबसे वियर्ड सा पक्षी कौन सा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में जरूर शेयर करिए। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस न करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।